हेलो 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 फाइबर के निकालते निकालते मैंने 11 पेज निकाल दिया। चलो तो पाइवट टेबल के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं। इसमें भी बहुत सारे हैं, कुछ हद तक तो बता ही देते हैं। पर नंबर ये जान लो कि पाइवट टेबल जो होता है ना, हमारे डाटा का समरी रिपोर्ट बनाता है। और पाइवट जब हम बना लेते हैं तो उसके बाद डाटा को एनालाइज करने में आसान होता है। जो हम सब टोटल ये सब लगाते हैं, फिल्टर अगर लगाते हैं तो ये सब उसके बाद लगाने की जरूरत नहीं होते हैं, वो सब आसानी से सब काम कर देता है। मेनली ये होता है कि इससे हम डाटा को आसानी से एनालाइज कर लेते हैं और समरी रिपोर्ट बना लेते हैं। मेन होता है वही समरी रिपोर्ट बनाना। अब जैसे हम एक बना रहे हैं डाटा तो बना भी होगा, डाटा होगा मेरे पास। चलो फिर से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे डेट, नेम, मान लीजिए ये आपका डाटा है, ठीक है। ये मान लो सेल्स के फिगर कुछ भी हो, मोस्टली ये सब सेल वगैरह का फिगर पे ही लगता। तो इससे हम क्या करेंगे, एक समरी रिपोर्ट बना। जैसे अब मुझे चाहिए कि राम का टोटल सेल कितना है, राम का टोटल सेल कितना है, तो यहाँ पे जाएंगे हम राम कर देंगे। यहाँ P1 का अगर देखते हैं तो हो रहा है 1163 पूरे साल का। फिर हम देखेंगे यहाँ पे जैन का कितना है, तो जैन का हो रहा है इसका 95। ये तो अलग अलग हो रहा है सबका, मत होगा ही, लेकिन हमें तो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे हम लिखा दिया जैन का, हम फिर चाहिए अप्रैल टू मार्च, फिर फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर कुछ भी चाहिए इस तरह से। तो उसके लिए हमें बार बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, समीप वगैरह चाहे बहुत सारे समीप से बहुत सारे फार्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ेगा या सब टोटल लगाना पड़ेगा। लेकिन उसमें हम आसानी से बना लेते हैं। अब इसमें हम एक फील्ड स्टेट का भी बना देते हैं, जैसे बिहार, यूपी, बंगाल और कौन कौन, जम्मू, असम, केरल, मान लो इतना ही देते हैं। ठीक,
अब ऐसे है, अब इस डाटा का हमें समरी निकालना है। अब जैसे हमें, जैसे यहाँ पर राम है, बहुत सारे स्टेट हैं, अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे कितना नाम, कितने बंदे हैं पर्टिकुलर। यहाँ पे तो मैंने 5 नाम दिया है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो वी नीड टू फाइंड हाउ मच सेल्स पर्सन, ठीक है, और मंथ वाइज, वीक वाइज, पर्सन वाइज, ईयर वाइज, जैसे निकाल रहता है। अगर हम मैन्युअली करेंगे तो वही हो जाएगा टाइम। तो सिंपल तरफ से अगर कितना बंदा चाहिए, अगर यहाँ पे जाकर इंसर्ट पर हम पाइवट कर देंगे, पाइवट टेबल, ये पूछता है, ये तो रेंज अपने आप लिया सेलेक्ट कर दिया। फिलहाल तो अभी इतना जानो, यहाँ पे जाके मैंने नेम दे दिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हैं बस टोटल। यहाँ पे नाम है बहुत ज़्यादा, लेकिन यूनिक 8 ही है, बाकी रिपीट हो रहा है। तो ये हम कर सकते, लेकिन यहाँ पे 8, लेकिन अगर किसी ऑफिस में सेल्स पर्सन रहेगा तो 8 तो होगा नहीं। अब जैसे बिहार है, बंगाल है, एक स्टेट में 5 5 6 6 होगा। अगर 5 स्टेट में काम, अगर 5 स्टेट है, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 सेल्स हो सकता है, 1 सेल्स हो सकता है, चाहे जो कुछ भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है। मतलब डाटा अलग अलग ढंग से मुझे चाहिए और अलग अलग ड्रिप जैसे एनालाइज करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे है, अब बिहार होगा तो बिहार का जो सेल्स मैनेजर अलग होगा, यूपी का अलग होगा, बंगाल का अलग होगा, क्योंकि एक बंदा तो हर जगह से हाँ, एक होगा जो ऑल इंडिया का देखता होगा, लेकिन उसके बाद सेल्स वाइज भी होता, स्टेट वाइज होगा। अब उन्होंने कहा कि जो यूपी वाला, उसने कहा मुझे यूपी का डाटा दे दो, तो हमें उसको सिर्फ यूपी का डाटा देंगे। तो सिंपल रूप से तो हम करेंगे तो यहाँ पे जाके यहाँ पे यूपी कर लेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट ये हो जाएगा। लेकिन ये तो सब कुछ तो नहीं हुआ सारा डाटा, क्योंकि यहाँ सब बंदे का गया। तो इस सब के लिए हम पाइवट से हम बहुत आसानी से छांट लेते हैं डाटा। बात रहे समझ? अब सवाल है कि पाइवट कैसे लगाते हैं। तो पाइवट लगाने के लिए आप पहला चीज़ ये कोशिश कीजिएगा कि ऊपर का जो हेडिंग है ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्लैंक है तो आपका पाइवट बनाने में रुकावट करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने इस हेडिंग को डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ से लगा रहा हूँ पाइवट, ये मैसेज दे रहा है पाइवट टेबल फिल नेम इज वैलिड नॉट वैलिड। रुक दिया। तो इसको हम, मतलब ये डाटा पे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग करते हैं कि यहाँ से लेके और पूरा डाटा को सेलेक्ट करते हैं और फिर पाइवट लगाते हैं, लग रहा, लेकिन हमें पूरा डाटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस डाटा में कहीं भी कर्सर रहेगा, एनी प्लेस, और अगर हम इंसर्ट पर जाके पाइवट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑल डाटा को देखिए अपने आप सेलेक्ट कर लेगा और पाइवट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जाके, यहाँ पे ब्लैंक है, तो इतने तक का ही सेलेक्ट करेगा, वो सारा डाटा सेलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे गैप है। सॉरी, यहाँ पे गैप है ना। अब देखिए 1H133 तक, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए 133, लेकिन यहाँ पे है गैप तो वो चल सकता है, ठीक है, पूरा लाइन में होना चाहिए। और हेडिंग तो किसी भी हाल में ब्लैंक होना ही चाहिए, वरना पाइवट नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो पता है कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो इसका जो टूल्स होता है, उस संबंधित टूल्स अपने आप आ जाते हैं। तो जब हम पाइवट लगाते हैं यूं करके, वहाँ पे है गैप नहीं है अभी 366, ठीक है। जब पाइवट हम लगाते हैं इंसर्ट, तो पूछता है सेलेक्ट डाटा, अपने आप सेलेक्ट हो गया डाटा, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरा, न्यू वर्कशीट, अगर न्यू वर्कशीट करेंगे तो एक्सेल अपने आप एक न्यू वर्कशीट खोलेगा और वहाँ पे जाके पाइवट शुरू कर देगा। अगर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पूछता है, तो पूछता है लोकेशन कहाँ, तो यहाँ पर अगर हम जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ओके करेगा तो पाइवट यहाँ लग जाएगा, मैंने यह इसी पेज पर डाटा, इसी पेज पर पाइवट। लेकिन जब डाटा रहेगा ज़्यादा तो ये दिक्कत हो सकता है, ठीक है, हम कंट्रोल जेड कर जाते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है, यूज
तो हमारा एक्सेल पर ही डाटा है। कभी कभी हमारा डाटा अगर एक्सेस में हो, एमएस एक्सेस में हो, एसक्यूएल में, तो हम वहाँ से भी डाटा को ले सकते हैं, समझ रहे हो? अगर किसी ने एक्सेस में, एमएस एक्सेस तो पता है, तो एमएस एक्सेस में अगर डाटा रखा हुआ है तो वहाँ से भी डाटा डायरेक्ट उठ सकता है। अभी ओपन, अब देखिए यहाँ पे, अगर अब इसमें से नहीं चाहिए एमएसएन वगैरह, हम चाहिए ब्राउज मोर। अब ये पूछेगा फाइल, कौन सा फाइल चाहिए। देखिए ये सारे फॉर्मेट MDA, ACDV, ये सारे कोई भी फाइल हो सकता है इसमें से, ठीक है। जैसे जो होता है ना DVF फाइल डाटाबेस के, वो भी होना चाहिए, है ना DVF, वहाँ से भी ले सकते हैं कोई भी। वो तो हम जब कभी बताएंगे कि एक्सेस से कैसे उठाते हैं। फिलहाल तो हमारे पास तो डाटा उसी पर है, ओके कर देंगे, न्यू वर्कशीट खुल गया, न्यू वर्कशीट खुल गया और उस पर पाइवट चला गया और इस टाइप का बॉक्स खुल गया, ठीक। इसमें जब पाइवट हम लगाते हैं तो यहाँ पे ये फोटो कैसे आएगा, पहला नंबर एक चीज और बता दो, प्राइवेट में एक तरह से होता है रो कॉलम, यहाँ पे डाटा और ऊपर फिल्टर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब हमारा डाटा ये है, अब हम डेट करेंगे तो डेट ऐसे आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर है रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल, रॉ लेवल, वैल्यू। अगर हम किसी इस यहाँ से किसी फील्ड को चूज करते हैं तो वैल्यू में हम उस फील्ड को 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार रख सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट फिल्टर, रो लेवल और कॉलम, इस तीनों में से वो फील्ड एक में ही रहेगा, ठीक है। जैसे ये रो फिल्टर है और हम फिर यहाँ से डेट सेलेक्ट करके अगर रिपोर्ट में लाएंगे तो देखिए यहाँ से अपने आप हट गया वो। अगर यहाँ से डेट से लेकर हम कॉलम में जाएंगे तो अपने आप हट रहा है, नहीं होगा डबल। लेकिन जैसे P1 को मैंने वैल्यू में डाला, हो गया, फिर से P1 को डाला, दो बार हो गया, ठीक है। लेकिन इस तीनों में से एक ही बार रहेगा। ये नेम को इसमें डाल के और नेम को कॉलम में भी डाल दो, नेम को आप कह रहे हो यहाँ पे डालो और नेम को, सॉरी ये स्टेट आ गया, नेम को यहाँ डालो और नेम को एक ही जगह जा रहा है, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक तो गया समझ, इसमें कोई दिक्कत है ना। अब हम सवाल हम यहाँ पे क्यों डालते हैं, इसी में क्यों डालते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए इसको डालते हैं। अब जैसे नाम मैंने यहाँ ले लिया और P2 के यहाँ ले लिया, P2 के यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम यहाँ कर देंगे, यहाँ पे काउंट दिखा रहा है तो इसको हम चेंज करके यहाँ पे सम दे देंगे। देख तो ऐसे हो सकता है, आपने कहा ऐसे नहीं तो ऐसे ले लो, तो ऐसे आपको गौर कीजिएगा, ये डाटा देखने में अच्छा नहीं लग रहा। मोस्टली हम लोग डाटा ऐसे रखते हैं जेम्स ना, तो उस केस में हम फिर इसको यहाँ चेंज कर देंगे। जैसे इसको अगर हम फिल्टर में ले जाते हैं तो देखिए सब का आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें से किसी एक का देखना है आफ्ताब का, तो सिर्फ आफ्ताब का दिखाएगा, लेकिन इसको फिलहाल हम यहीं पर रहने देते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए फिल्टर वहाँ हम लगाए थे ना, ये फिल्टर यहाँ रह गया, इसको हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। तो ये तो पता है। अच्छा उसके बाद जैसे मैंने P1 को लिया यहाँ पे आ रहा, P1 को इसको हम सम किया, सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, जो भी है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक। उसके बाद हमारा जब डाटा, जैसे मैंने बता दिया कि आपको P1 को इसमें रखा है, ये काउंट ही आ रहा है, इसको हम काउंट पर ही जा रहा है बार बार,
इसको हम सम कर देते हैं, फिर हम दो बार कर सकते हैं, तीन बार कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने कर दिया सम और फिर से कर दिया, इसमें मैंने काउंट रख दिया। काउंट मतलब ये आफ्ताब के 45 रो है वहाँ पे। तो अब आपको डाटा ऐसे चाहिए या वैसे चाहिए, कैसे चाहिए, ये तो आपकी मर्जी पर है डिपेंड। फिलहाल हम एक P2 को हटा देते हैं। इसके बाद हम डेट, अब डेट को मैंने ऐसे डाल दिया। आप चाहो तो ये जो नाम जो है, जो यहाँ पे जो डेट है, डेट को अगर ऊपर करोगे नाम को नीचे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये तो और बेकार लगेगा देखने में, इसलिए हम उसको फिर वैसे ही कर देते हैं। लेकिन इसमें भी है आफ्ताब का 1 जनवरी 22 मार्च सब लेके ये 2014 के 31 दिसंबर तक है। ये तो हमारा गलत है ना, मतलब गलत क्या, डाटा ठीक है लेकिन ये देखने में सही नहीं ले रहा है, एनालाइज करने के लिए सही नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे ग्रुप, मंथ में ग्रुप। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रुप कर देंगे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये मंथ में है, कोई बात नहीं, जो मर्जी है उसमें करो आप, ओके कर दो। अब ये मंथ में आ गया। अब फिर इसको हम डेट को ऊपर कर रहे हैं, नाम को नीचे। अब देखिए जैन में आफ्ताब के आ गया, फिर फैब का रिपोर्ट, फिर मार्च का रिपोर्ट, फिर अगर इसको हम नेम को ऊपर करेंगे तो नेम बाय आ गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो यहाँ पे जब आता है ना, देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, और ये ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर जाके है कॉलेस और एक्सपेंड, यहाँ करेंगे एक क्या हो रहा है, इस सबको समेट देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके एक्सपेंड करेंगे, सबको एक्सपेंड कर देगा। ये तो सिंपल तो होता ही है। इस बटन को अगर मुझे गायब ही करना है तो यहाँ पर फिर प्लस माइनस इसको कर देंगे तो हट ही जाएगा। कभी कभी हम चाहते हैं कि ज़्यादा डाटा है तो ये जो टेबल है पाइवट टेबल, इसको भी हट जाए, तो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे तो भी हट जाएगा, या फिर यहाँ पे राइट करके हाइड पाइवट टेबल कर देंगे तो भी वो हट जाएगा। ठीक है, तो या तो वहाँ से कर ले, यहाँ से कर लो, बटन यहाँ से आ जाएगा। फील्ड हेड्स देख रहे, ये भी आ जाए ना, रो लेवल देख रहे, ये हट रहा। अब इसमें हम स्टेट को मैंने डाल दिया, यहाँ पे स्टेट आ रहा है, जब इसको करते हैं स्टेट को फिलहाल हटाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम मंथ हुआ, मैंने कहा इसमें क्वार्टरली भी डाल दो भाई। तो यहाँ पर फिर हम राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप, मंथ तो है ही, अब क्वार्टर भी क्लिक कर देंगे। अब देखिए आ गया क्वार्टर जैन 4 पे, लेकिन ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। फिर इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, और इसमें आता है डिस्प्ले क्लासिक पाइवट टेबल। अब ये डाटा थोड़ा सही लग रहा है, मैंने जैन का क्वार्टर का। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हम बटन पर यहाँ पे जाके कॉलेस कर दो। अब जिस वो देखना है उसको देखो, यहाँ पे जाके कॉलेस करना है तब ये पूरा कॉलेस हो गया। अब सिर्फ हमें मोहन का देखना है तो मोहन का क्वार्टर 1 2 3 4 आ गया। हमें किसका देखना है तो सिर्फ थर्ड का देखना है, तो यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे सिर्फ थर्ड का। और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दो बार तो ये उसका रिपोर्ट भी दिखाएगा, और ये रिपोर्ट सिर्फ सोर्स डाटा दिखाएगा, और ये रिपोर्ट सिर्फ थर्ड माने ये जुलाई का ही दिखा रहा ना। लेकिन अगर हम Q3 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उन्हें करेगा सो, यहाँ पे नहीं करेगा, वो उसी पर करेगा लास्ट एरर पर। अब यहाँ पर जैसे हम किए तो ये कहाँ पे किए थे क्लिक, मैंने Q2 पर क्लिक किया था ना, तो Q2 का दिखा दिया, मैंने अप्रैल मई जून का डाटा दिखा दिया। बाकी इसमें तो प्रैक्टिस ही मेन है, फिलहाल बेसिक ये समझो। ऑप्शन ऑप्शन बताना, हाँ नहीं अभी बता रहा, अभी सब सब कुछ हो जाएगा।
ये तो हो गया भाई, कैसे क्लासिक पाइवट टेबल आ गया, कैसे क्या छांटना है, हो गया ना। इसमें ऑप्शन जाने के लिए राइट केवल पाइवट टेबल ऑप्शन है। इसमें अगर जैसे है डॉट, इसको अगर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर है फॉर्मेट सेल, इसको हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे ना नंबर नंबर फॉर्मेट में जैसे भी है, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट बनी है, जैसे ऐसे आ गया ना, ये तो एज पर रिक्वायरमेंट अगर हो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद देखिए सब टोटल नेम। आप यहाँ गौर कर रहे हैं कि हर सब नाम के साथ अब सब टपल आ रहा है, एक लास्ट में है ग्रैंड टोटल। तो चाहते हैं कि जो सब टोटल है, ये टोटल टोटल जा रहा है, ये 9 शो करे, तो यहाँ पर जाके और सब टोटल को अनचेक कर दो। अब ये यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ ग्रैंड टोटल बचा रहेगा। उसके बाद है फिल्टर, आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हो, ऐसे ये बाय डिफॉल्ट फिल्टर हो चुका है नाम, सॉरी फिल्टर मतलब जो होगा डाटा को फिल्टर कर सकते हैं ना, किसके बराबर नहीं बराबर। इक्वल है अगर हम इस पर जाके फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ही आ रहा, फिल्टर नहीं आ रहा। चलो करेंगे इसको, ये जो है ये तो पता चला गया ग्रुप, इसको अनग्रुप करना है, तो फिर हम हटा देंगे। रिफ्रेश, जो कुछ डाटा ऐड करते हैं, मतलब इसमें अगर कुछ डाटा को हम मॉडिफाई करते हैं, अब जैसे यहाँ पर एक नाम दे रहा हूँ ए, यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन जब यहाँ जाके या तो हम यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे या फिर ऑप्शन में जाके यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। ये नीचे आगे नहीं, तो इस तरह से होता। हम ये तो मैंने क्वार्टरली हो गया, मंथ हो गया, जैसे हमारा चाहिए। सब टोटल हो ही गया। अच्छा, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पाइवट टेबल ऑप्शन पर, तो यहाँ पे शो ग्रैंड टोटल, इसको क्लिक कर देंगे, बस वो वही है सेम चीज, ग्रैंड टोटल जो यहाँ से ग्रैंड टोटल हटता है ना, ये जो है ना वही ऑप्शन, वो वहाँ के लिए ऑप्शन के लिए है, वही है। ये है अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड, अलाउ करना है नहीं करना है। यूज कस्टम लिस्ट, जो कस्टम लिस्ट हम लोग जो शॉर्ट जो कस्टम बनाए थे ना, डिस्प्ले ये हो गया, सो कंस ये एक्सपेंड और कॉलेज ये इसी का है, ये हाँ। अब है शॉर्ट इन डाटा सोर्स ऑर्डर, सोर्स ऑर्डर दिया हुआ, शॉर्ट डाटा ए टू जेड कर देंगे, ए टू जेड हो जाएगा प्रिंट के। इसमें है डाटा, वो जो हम क्लिक करते हैं और ये डाटा अपने आप जो आ जाता है, यहाँ पर जो हम क्लिक करते हैं ये डाटा खुल जाता है ना, तो अगर हम इस पे डाटा पर यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो अभी अब नहीं खुल रहा है ये। अब हम किसी को मेल करेंगे तो वो डाटा नहीं देख पाएगा, क्योंकि जब पाइवट टेबल हम भेजते हैं किसी को तो पाइवट टेबल के साथ डाटा भी जाता है, अब वो नहीं देख पाएंगे। तो यदि हम यहाँ पे रखेंगे तो वो डाटा भी जाएगा। इसमें रिफ्रेश व्हेन फाइल ओपनिंग, रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। इसमें क्या होता है कि इस डाटा को हमें, जैसे मैंने बोला एक्सेस लिया हुआ है या एक्सेल के किसी सीट से लिया हुआ डाटा, तो उस केस में अगर किसी ने उस फाइल में डाटा में चेंज करेगा तो फाइल अपने आप यहाँ चेंज हो गया। जैसे जस्ट लाइक मैंने ए नाम दिया है ना, अभी इसको मैंने पाइवेट को बंद कर दिया, किसी ने यहाँ जेम्स की जगह थेम्स लिख दिया, थॉमस लिख दिया, तो अगली बार जैसे फाइल खोलेगा वो अपने आप रिफ्रेश वगैरह ऑटोमेटिकली सब कुछ। एग्जैक्टली ठीक, तो इतने तक तो कोई दिक्कत है ना अभी तक।
अच्छा इसमें एक फिल्टर का भी देख ही लेते हो, जैसे यहाँ जो रिपोर्ट फिल्टर है ना, अब स्टेट नेम को मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ये देखिए सारा स्टेट का नाम दिखा सो डाटा से रखकर, इसमें मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम सिर्फ दिया असम। अब क्या किया है इसने, जो असम में जो है सेल उसको दिखा रहा है सिर्फ, बात समझ रहे हो। इसमें पाइवट टेबल जब क्लिक करते हैं ऑप्शन में, एक चीज यहाँ भी और भी है, पाइवट टेबल यहाँ ऑप्शन है, एक का है शो रिपोर्ट फिल्टर पेज, जो हम ये जो असम है ये फिल्टर है ना, असम बंगाल बिहार यूपी है ना। अब अगर हम यहाँ पे जाके जैसे यहाँ पे है और ऑप्शन में गए और पाइवट टेबल ऑप्शन में इस ऑप्शन पर जाके हम अगर कर देंगे शो रिपोर्ट, ये तो इस ऑप्शन से तो ये बॉक्स खोलेगा, इसको हम यहाँ से खोल ले या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके खोल लो, बात बराबर है। अगर हम यहाँ पे जाके और इस ऑप्शन पर जाके और शो रिपोर्ट फिल्टर पेज करेंगे तो इसमें बिहार बंगाल सबका एक 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 पेज खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ये पूछ रहा है स्टेट, क्योंकि यहाँ पे एक है, अगर यहाँ पे मैंने और भी कर दिया होता तो उसका भी नाम होता, मुझे स्टेट वाइज खोलना है। अब देखिए खुला नहीं, सॉरी क्यों नहीं खुला, क्योंकि यहाँ पे सब सेलेक्ट नहीं था, अब यह है ना सब सेलेक्ट। अब देखो यहाँ पे जाकर हम कर रहे हैं, देख रहे हैं ये असम का खुला, ये बंगाल का, ये बिहार का, ये जम्मू का, ये केरल का, यूपी उसकी उतनी उसने बना दिया। लेकिन यहाँ हमसे उसने पूछा कि आपने किसको बनाना चाहता हूँ स्टेट का, क्योंकि यहाँ पे स्टेट ही है, अगर यहाँ पे और ऑप्शन फिल्टर में होता तो वो उसके अनुसार बनाता। ये हमसे दो ही ऑप्शन रखते तो दो ही बनाता, नहीं हाँ दो ही बनाता एग्जैक्टली, फिल्टर के पर डिपेंड कर रहा है। हाँ सारे रखे तो सारे इसने बना दिए, दो रखते तीन रखते ठीक है। अब जैसे दो बार निकालने के यहाँ पे जैसे अगर तीन एसओ का नाम शॉर्ट कर दिया तो उसने कहा मेरा रिपोर्ट दे दो, तो उसको हम क्लिक कर दिए और तीन सीट बन गए, तीनों को अपना दे दिए। लेकिन जब बनता है तो उस डाटा सब में जाता है, फिर उसको हम यहाँ फिल्टर करके उसका भी हम निकाल सकते हैं। ठीक यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, और हल्का फुल्का तो प्राइवेट में आप लोग जानते भी हो, इसको फिर से क्लियर करते हैं। तो वो पढ़ा भी है और कुल्लू सर ने तो स्टडी भी किया है थोड़ा बहुत, नहीं कुल्लू सर ने स्टडी किया है, क्योंकि इस पर मुझे उसने क्वेश्चन पूछा, उनका क्वेश्चन अच्छा लगा था। हाँ हाँ एक दिन मैंने और इसके बारे में बताया था। अब जैसे यहाँ मैंने दे दिया नाम, डेट, और डेट उसके बाद P1 यहाँ क्यों भाग रहा है, यहाँ पे P2 यहाँ पे P3 ठीक है, जो सम इसको हम कर दिए सम, इसको भी P2 क्यों नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम इसको ग्रुप में कर देते हैं मंथ वाइज, ठीक एक तरह से ऐसे भी हो गया, लेकिन हम इसको डेट को हटा देते हैं, अब ये आफ्ताफ का गया। अब इसमें एक फील्ड और हम जोड़ देते हैं यहाँ पे टारगेट का, वैसे सारा तो एक टेबल में होता भी नहीं, यहाँ पे एक फील्ड हम जोड़ देते हैं टारगेट, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं 1100 ठीक है। और इस पे हम एक चीज़ और गौर कीजिएगा, यहाँ पे चेंज डाटा सोर्स, मैंने फील्ड बढ़ाया है तो यहाँ बढ़ेगा 366 की जगह 300
67 हो जाएगा, एक टारगेट यहाँ बन गया आगे। अब P3 को छोड़ दें तो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें हम एक टारगेट को निकालते हैं कि यहाँ पे P2 का टारगेट के हिसाब से कितना है। तो P1 है तो P1 को एक बार फिर रखेंगे, एक काउंट आ रहा है तो इसको हम सम कर देंगे, चाहे नहीं करेंगे तो भी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू फील्ड में यह है सो वैल्यू एच, यहाँ से हम ले लेते हैं परसेंटेज ऑफ, और इस साइड से हम चूज कर लेते हैं टारगेट, यहाँ पे दिखा नहीं रहे, सॉरी यहाँ पे लेंगे नाम और यहाँ पे दे देंगे टारगेट। अब वो कह रहा है कि टारगेट का इसने इतना इतना परसेंट किया है, देख रहे हो, बता रहे हैं ना, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन होता है रनिंग टोटल, रनिंग टोटल के बारे में आपको पता हुआ है ना, रनिंग टोटल मतलब कुछ ऐसा होता है जैसे यहाँ पे 1, 2, 16, 28, 24, 32, 15, 16, तो रनिंग टोटल इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 1, 2, 3, इसमें यहाँ तो यहाँ तक 19, यहाँ 19 प्लस 28, मैंने इसको इसमें इसको इस तरह से ऐसे करते हैं सम ये कॉमा ये हो गया, और ऊपर वाले को हम फ्रीज कर देंगे, ठीक है। एक तरह से मैंने टोटल है कितना 111 यहाँ तो आएगा है, लेकिन ये जैसे अब यहाँ पे आ गया जैन का सेल, फेब का सेल, मार्च का सेल, अप्रैल, मई, जून, इसमें साफ क्लियर हो जाएगा कि मार्च तक 19 सेल था, अप्रैल तक 47 था, मई तक इतना था जैन से, और जून तक यहाँ था, और टोटल यहाँ पे है जुलाई, मैंने जुलाई तक 111 है, और मंथ वाइज देखना है तो ये डाटा है ही, ठीक। तो उसी तरह से हम यहाँ रनिंग टोटल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ जो P1 है इस पर हम फिर क्लिक करेंगे, हाँ ये सो वैल्यू एज तो होगा ही, और फिर यहाँ पे एक होता है रनिंग टोटल इन, देख रही है, हाँ P1 का निकाल दिया ना। और यहाँ जो नाम है ये तो नाम में तो नहीं होना चाहिए, ये तो होना चाहिए डेट में, और डेट को हम यहाँ ग्रुप कर लेंगे, रुक गया, यहाँ पे ग्रुप हम कर लेंगे मंथ का, और जो यहाँ पे जो हम हिसाब किए थे नेम को, नेम ने इसको हम कर देंगे डेट का, देख रहे हो निकाल दिया, जैन तक का सेल इतना, और ये ब्लैंक किसका आ गया, ये टारगेट का ले दिया उसने, और जैन के तो इस तरह से क्यों, तो ये तो डिपेंड करता है, लेकिन सब जगह ये भी कैलकुलेशन वो भी कैलकुलेशन इतना नहीं होता, ऑफिस में होता है तो कोई पर्टिकुलर ये कहीं कैलकुलेशन वो हाँ, तो अभी बता रहा हूँ, जैसे इसमें है, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे दिया था इसका टारगेट कितना परसेंट किया है, परसेंटेज ऑफ दिया था ना, इसमें हम दे देते हैं परसेंटेज डिफरेंट फ्रॉम ऑफ टारगेट, मतलब इसने टारगेट का इतना परसेंट करने रह गया है इसका, ये टारगेट इसका तो कोई बात ही नहीं, बाकी आफ्ताब का था 1100 का टारगेट तो इसने 1095 किया है, और इसने 1200 कर दिया तो टारगेट कितना परसेंट कर दिया ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है देख लीजिएगा, हम भी चाहे हम कहीं से इसको खोज के और लाएंगे तो आपको फिर बताएं। अब ये है परसेंटेज ऑफ टोटल, अब उसी का परसेंटेज दिखा रहा है टोटल, माने जो 10497 है, 10497 इसमें आफ्ताब का परसेंट कितना है, जैसे आप यहाँ पे करते हो ये
10497 बट्टा 1212 इसमें हम कर जेम्स का तो है सॉरी 1212 बट्टा 10497 इतना इसमें परसेंटेज डालेंगे तो 12%, और अगर यहाँ पॉइंट में कर देंगे तो 11% है ना जेम्स का, तो वही हम दिखाता है कि टोटल का परसेंटेज कितना ले रहा है। ठीक है, कभी कभी हमने कहा ये जो है हमें P1, P2, P3 तीनों का टोटल चाहिए, बात रहे समझ? इन तीनों में जो ग्रैंड टोटल आ रहा है, ये खराब क्यों हो रहा है डाटा, ये सम क्यों ले रहा है हमेशा, ये सम दिया हुआ नहीं सॉरी काउंट ले रहा है वो, जैसे मैंने दे दिया नाम P1, देख रहे P1 यहाँ भाग रहा है, हाँ ऐसा ही होता है, देखो ना ये P3 में भाग गया और P2 में इस पे हम कर सकते हैं मूव डाउन, P3 हो गया और P3 को हम कर देते हैं सम। हम कहते हैं कि एक यहाँ चौथा फील्ड आए जिसमें P1, P2, P3 सबका टोटल हो। एक चीज़ और गौर करना, यहाँ पे जो सम ऑफ है इसको हम हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाओ कंट्रोल H कर दो, SUM सम ऑफ है ना, इसको हम स्पेस से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर P1 नाम से ही नहीं बनेगा, यहाँ पे एक और चीज़ था स्पेस के बाद था, इसलिए वो हो गया, माने स्पेस देंगे माने एक नाम से दो फील्ड नहीं बनता, ये तो पता है दो हो गया ये। अब इसमें मैं निकालने जा रहा हूँ टोटल जिसमें P1, P2, P3 का, एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं नहीं, लेकिन ये उतना सही नहीं होगा, फिर हम डाटा ऑफ करेंगे दिक्कत होगा। इसमें हम करेंगे ऑप्शन में जाके फार्मूला में कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे दो, मान लो लिख दो टोटल, यहाँ पे इजकल टू P1 इंसर्ट प्लस P2 इंसर्ट प्लस P3 इंसर्ट और ओके, ये सब का तीनों का टोटल दे दिया। यहाँ पे सम ऑफ यहाँ पे हटा देंगे, ये तो वीडियो है फिर देख लीजिएगा कैलकुलेट फील्ड करके, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है लिस्ट फार्मूला, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमने क्या क्या कैलकुलेशन किया है उसको बारे में बताएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ, ये दिखा दिया कि टोटल को कैलकुलेशन किए हैं हमने जिसमें P1, P2, P3 यहाँ एक को कैलकुलेशन किए, अगर और कुछ करेंगे तो नंबर दो पा जाएगा, बात रहे हो समझ? हाँ बिल्कुल, एज पर अगर रिक्वायरमेंट पर, अगर जो हमारा मैनेजर है चाहे हमारा जो अपर पर्सन है हमें जिस हिसाब से रिकॉर्ड में, अभी मैं बताऊँ अभी भी होता ना मैं वो इंटरनेट कनेक्शन अभी होता तो मैं बता देता हूँ, उस बंदे को जो मुन्ना के था डाटा उसने मैडम के पास भेजा था डाटा, उसने बंदे ने भेजा था डाटा, उसका जो मैडम ने रिफ्यूज कर दिया कि डाटा रिपोर्ट ठीक से नहीं बना है, अभी मैं एक बार बना के देखता हूँ रिपोर्ट। फिर बंदा मेरे पास आया था एक दिन, वो उसने एक और क्वेश्चन कर दिया था, ऐसा मेरा भी दिमाग खराब हो गया, काफ़ी देर के बाद मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता मैं बता दूंगा, ठीक है। और फिल्टर के बारे में तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ ये ले लिया स्टॉप स्टेट के ऊपर कर दिया, ये तो है पता फिल्टर का तो होगा ना, जिसका देखना है क्लिक करके, अगर हम मुझे बंगाल का देखना है तो ये अब सिर्फ रिपोर्ट अभी ये बंगाल का दिखा रहा, अब हमने कहा बंगाल बिहार दो का देखना है तो बंगाल बिहार दोनों में टोटल सेल है उसका दिखा रहा है। ये P2 का क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? आप कह रहे हो कि जो टोटल जो है ये P2 का कितना, P2 टोटल का कितना परसेंट है, ये होगा ना, तो ये को फिल और यहाँ कर लो, जनरेट कर लो,
यहाँ पे जाओ, ऑप्शन में जाओ, कैलकुलेट फिल कर दो, लिख दो परसेंटेज P2 मैंने P2 का कैलकुलेटर, यहाँ पर दे दो इज इक्वल टू टोटल इंसर्ट बाय, आपने क्या बोला कि टोटल, और इस पे हम कर देंगे P2 इंसर्ट, ओके आ गया। अब ये तो है इसमें, इसमें हम डाल देंगे परसेंटेज 307%, ये तो हमारा गलत हो रहा है। ओ सॉरी 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 एग्जैक्टली यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बन गया ना, टोटल टोटल नहीं, हाँ यहाँ पे P2 बाय टोटल होना चाहिए, यहाँ पे P2 इंसर्ट डिवाइड बाय टोटल इंसर्ट, ओके हो गया। अब इस पे हम परसेंटेज इम्पोज करेंगे, ठीक है, और इसी को हम नीचे तक डाल देंगे, हो गया। हाँ हाँ उस लाइक तो आप बन चुके हो सर, कैलकुलेशन करने के लिए तो बन सकते हैं इस तरह से, हो रहा। इसमें कभी कभी हमारा तो फॉर्मेटिंग होता है, जैसे यहाँ पे ना डिजाइन हम चूज कर लेंगे कौन सा चाहिए डिजाइन, तो ये सब तो आम बात है, डिजाइन मेन तो है कैलकुलेशन, फॉर्मेटिंग तो लाल पीला तो कोई भी कर लेगा, जैसे यहाँ पे बैंड बैंड कॉलम डालना, ये तो डाल दो, ये तो कुछ ऐसा नहीं, ठीक है, इस स्टेप से तो कर ही सकते हैं। या फिर इसी में, अच्छा ये बताता हूँ थोड़ा सा, इसी में एक आता है पाइवट चार्ट, ठीक है, हम इसी डाटा के ऊपर एक चार्ट बना देंगे, ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है भाई, देख रहे हो, इसी डाटा के ऊपर हम चार्ट बना दिए, चार्ट सही नहीं है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको हाइड कर देते हैं, जैसे मान लो हो गया ना। अब जैसे हम इसमें सबका लेंगे तो अपने आप चार्ट आगे पाछे होगा, अगर हम सिर्फ यहाँ पे जम्मू का लेंगे तो उस हिसाब से डाटा होगा, यही होता है, मैंने इसके अनुसार वो बदलते रहता है, हाँ तो नहीं नहीं ये सब चीज़ जो यहाँ जो है सिलेक्शन, तो ये तो नाम तो मैंने हटा दिया हूँ, और क्या, अभी देखो ये जो नाम तो मैंने हटा दिया हूँ भाई, मेरे नाम तो अभी मैंने आपके सामने हटाया, जैसे ये ले लिया नाम आ तो रहा है, ये तो मैंने हटाया था आपको बस थोड़ा चौड़ा लगे, ठीक है, तो फॉर्मेटिंग में तो लगभग समझ गए, ऑप्शन में भी लगभग हो ही गया, एक प्रिंट रिपीट रो लेवल इच प्रिंट, जो ये जो रो है P1 P2 अगर ये है तो हमारा डाटा छोटा है, हो सकता है इसमें 500-700 आदमी हो, तो जो प्रिंट करेगा ना, जब इसको हम क्लिक कर देंगे, अभी जो क्लिक है ये, तो मतलब हर रो में ऊपर ये आएगा, हर प्रिंट पे ये ऊपर रहेगा, और अगर इसको अनचेक कर देंगे तो फिर वो नहीं रहेगा, हाँ बस सिंपल इसके बाद इसके एक के बाद आएगा प्रिंट कॉलेस बटन हुए डिस्प्ले डॉन पाइवट टेबल, अगर इसको क्लिक कर देंगे तो जो कॉलेस वाला बटन है वो दिखाएगा, कुछ इस तरह से पाइवट टेबल मेनली होता है, अगर हम डेट वगैरह डालते हैं तो दिखाता है।
हाँ ये तब तो हम जब ऑफिस में काम करेंगे तो हल्का फुल्का एक एक आध दो पेज तो प्रैक्टिस का तो है ही, कुछ पेज हमने भी ख़राब कर दिया है प्रिंट करने में। तो इस तरह से हमारा डाटा होता है। अब इसी डाटा में जैसे हमने फिल्टर में दे दिया था स्टेट, अब फिल्टर में हम डाल देते हैं डेट, ठीक है, देख रहे हो इसमें डेट डाल दिया। अब किस डेट से किस डेट तक उठाना है तो वो सब क्लिक कर लो, उस तरह से हो सकता है। हाँ तो जब इस पर काम करोगे तो एरर तो आएगा ही आएगा। चलो फिर बनाइएगा एक बार तो देखेंगे उस बंदे का जो इसमें। अच्छा चलो अभी एक और बताता हूँ। अब एक डाटा जैसे ये है, ठीक है, इसमें मान लो यहाँ पे डाल दिया मैंने एज, रेंड बिटवीन दे लो मैंने 20 से लेकर 50, ठीक है, यहाँ पे हम दे दिया इनकम 1, ठीक है, हो गया। ये डाटा हो गया ना। अब इस पर मैं पाइवट एक तरह से लगा रहा हूँ, सिंपल एक बताने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ जो है कहाँ का डाटा, इसका ये पेज है ना, इसका इसी पेज पर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिए एज, ले लिया सब एक साथ। अब देखिए जब इसको लेते लगे, इसको हम इसमें भी हम ग्रुप बना सकते हैं, इसमें हम देते हैं ग्रुप। अब देखिए बॉक्स खुल गया 30 से 40 तक और 10-10 का ग्रुप। इसने क्या किया, ये तो ब्लैंक कर दिया, इसमें ब्लैंक है, ब्लैंक तो है नहीं, फिर ब्लैंक क्यों आया। दस इसमें होगा है नहीं, लेकिन ये 35 कहाँ से आया है। ओ हो 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 हो, ये एज एज मैंने यहाँ डाल दिया ना। जैसे एज हो गया, एज यहाँ पे आ गया, ठीक। ओके, इसको हम हाइड कर देते हैं। अब देखते हैं, इस नहीं मानेगा ये। यहाँ पे जो काउंट है इसको हम सम कर देते हैं। अब बनाते हैं इसको ग्रुप 10 से लेकर 10 से लेके, अच्छा अच्छा यहाँ पे 20 से ही 10 का है कहाँ। मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, फिर वो 20 से ही बनेगा ना, 20 से लेकर 50 तक, और ओके कर देंगे, ठीक है, देख रहे मैंने 20 जो 20 से 29 तक कह गया, इतना 31 39 तक 40 ये भी बना सकते हैं। इसको हम अगर 5 पार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ जो 10 है इसको हम 5 कर देंगे तो ये 5 पार्ट बन जाएगा। मैंने जो होता नहीं तरह से एवरेज निकालते, जैसे 20 से 25 तक का क्या रिमार्क चाहिए, मैंने एक तरह से ये भी हम कर सकते हैं। मैंने इनकेस अगर कभी जरूरत पड़ा तो ठीक है, और अगर नहीं पड़ा हाँ एज पर हमारे रिक्वायरमेंट। एक चीज़ और मैं बताना था, जो हम अरे बहुत है भाई ये तो सिंपल है, जब हम काम करोगे ना दोस्त तब वो जो बंदा था मुझसे जो पूछा क्वेश्चन, थोड़ी देर के लिए तो हमारा भी दिमाग घूमता रह गया, फिर मैंने कहा ऐसे ऐसे जैसे ये डाटा है
ठीक है, ये तो हटा देता हूँ। वीडियो देखिएगा, फेक डाटा बनाइए, काम कीजिए, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। अब जैसे यहाँ पे बना रहा हूँ डाटा, नेम P1, यहीं पे भाग रहा है ये P1, तो सम P2, ठीक है। इसमें मैंने फिर अब डाल दिया डेट, और डेट को मैंने बना दिया ग्रुप मंथ, ठीक। इसको जब मैंने किया पाइवट टेबल क्लासिक डिस्प्ले क्लासिक, ऐसे हो गया ना। लेकिन इसमें कभी कभी दिक्कत होता है, अभी भी ये देखने में सही नहीं लग रहा है। इसको हमें होना चाहिए यहाँ तक हाईलाइट इसमें, तो उसके लिए भी हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे जाके ऑप्शन में जाके और डिस्प्ले में यहाँ फॉर्मेट में ही मर्ज एंड सेंटर, ये कर देंगे तो अब ऐसा हो गया। देख रहे हो अब थोड़ा देखने में ना, ये सब टोटल हटा देना, सब अफ्ताब टोटल यहाँ से हटा दो, हटाने ठीक है। तो इस तरह से भी जैसे ये ना अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना। अब जैसे इसमें मैंने इसको फिर एक ग्रुप बना दिया क्वार्टर भी, फिर इसमें देखिए इसमें तो अपने आप बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ से मैंने मर्ज और सेंटर सेलेक्ट कर रखा था, इसको अनचेक कर देंगे फिर ये देखने में ऐसा लग जाएगा, ठीक है। और इसको मर्ज लगाया था तो आफ्ताब में कर्सर रुका हुआ था, नहीं नहीं कहीं भी पूरी पाइवट में कहीं भी होगा वो अपने आप कर दे, ठीक है। जहाँ भी उसके रो के नीचे कुछ नहीं है वो तक एक तरह से वो अपना पे एज्यूम कर, जो भी है इस तरह से भी होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट डाल दो ऊपर, अच्छा। अगर अभी मैंने क्वार्टर के ऊपर डाल दिया है, सेलेक्ट करने पे आया, देख रहे हो। अब मैं यहाँ से आपको और यहाँ पर भी कर देता हूँ ऑल, और क्वार्टर पर भी ऑल। अब यहाँ पे जो उसने किए थे शो फिल्टर, अब देखिए पूछ रहा है क्वार्टर वाइज या स्टेट वाइज, मैंने कहा क्वार्टर वाइज, इसमें एक ही हो रहा सेलेक्ट क्वार्टर वाइज। अब देखिए वो क्वार्टर वाइज रिपोर्ट दिखा रहा है, मैंने कुछ इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। एनीवे और अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, अगर उसमें डेट का कहीं पे होगा कुछ हिस्सा, क्वार्टर तो दिखाना चाहिए चार। अच्छा यहाँ पर भी क्वार्टर है ना, चार है ना। अच्छा जैसे अभी अब हम करेंगे यहाँ पे स्टेट के ऑप्शन में, अभी स्टेट हो गया तो बाकी स्टेट का बना देगा एक एक रिपोर्ट। लेकिन यहाँ जैसे असम पेज पर है और यहाँ पर हम सबका आएगा, फिर हम यहाँ पर भी हम सबका देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हाँ अपना भेजना है तो हम कर सकते हैं। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा डाटा, वो तो है ही पता नहीं, जब क्लिक करते हैं यहाँ तो वो डाटा शो करता है। तो एक तरह से पाइवट टेबल इतना है, बाकी इसमें और भी हो सकती है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत कभी ऑफिस में मिलता, लेकिन मैनुअली थोड़ा बहुत बेसिक ही पूछता है। हमने भी किसी का इंटरव्यू लिया है तो बेसिक ही पूछा, लेकिन कुछ बंदे तो बेसिक में भी बम बोल जाते हैं। अच्छा एक फिल्टर यहाँ भी है, जैसे यहाँ पर भी हम चाहते हैं सिर्फ आफ्ताब का और जेम्स का देखना, तो यहाँ सिर्फ आफ्ताब और जेम्स का ही दिखाएगा, तो हम यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हैं, लेवल फिल्टर कंटेंट्स A to Z मोर शॉर्ट ऑप्शन। इसमें ये वाला फिल्टर
ऊपर जो लगाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन फिल्टर? कौन फिल्टर? ये नहीं नहीं वो जो वहाँ से ऑप्शन से हमने ऑप्शन से चूज किया था ना, यहाँ से ये वाला फिल्टर जो है ना नेम में, ये नहीं 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 ऊपर जो फिल्टर लगा है। हाँ उसी में चलेगा वो, तो उसी में चलेगा, देख रहे हो डिफॉल्ट इसमें। एक चीज़ और, हाँ ये जो उसका जो कहानी मैं बता रहा था, उसका कहानी कुछ ऐसे था, मंथ ए कॉमा सॉरी टेक्स्ट बी टू अभी इसको हम हटा देते हैं, इसको हम कर देते हैं डिलीट, हो गया। अब वो सॉरी इसमें हम दे देते हैं मंथ, ठीक। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, आ क्यों रहा यहाँ पे? ठीक है मंथ आ गया, अभी तो ये एजूम कर रहा है जैन फेब। अच्छा ये इसलिए एजूम कर रहा है कि वहाँ ऐसे ही है डाटा, ठीक है, वो डाटा वहाँ पे ऐसे ही था। अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। नहीं 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 मैं बता रहा हूँ ना डाटा क्या था। क्योंकि उसने डाटा ईआरपी से निकाला था, ईआरपी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका वो रिपोर्टिंग के लिए काम आता है। कल मुझे कॉल आया था, उसने कहा था ईआरपी जानते हो, मैंने कहा बेसिक जानता हूँ। ईआरपी होता है रिपोर्टिंग के लिए, दिसंबर जैन नहीं नहीं जैसे कंप्यूटर में था ना रैम को, दिसंबर जैन जून बस उसी तरह से मान लो, मैंने एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन के लिए। रैम को मैं तो हर चीज लेता था, जो मैनुअली काम था ना सब उसमें उन्होंने कर दिया था। वीडियो एक घंटा खो गया, इसको मैं वीडियो रोक रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ उसको क्या क्या केस था। वीडियो देख रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर अपलोड होने में वीडियो करके मैं अब रोक देता हूँ वीडियो, और बाकी आपका क्वेश्चन वो बता देता हूँ मैं क्या होता, ठीक है।